भिलाई के कैंट एक मिलन चौक में डायरिया ने पैर पसार लिया है। यहाँ रहने वाले एक ही परिवार के दो बच्चे सरकारी अस्पताल में दाखिल हैं। वहीं इसके माता पिता भी संक्रमित हैं। इसके अलावा मोहल्ले के दर्जन भर लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि भिलाई डेंगू के मामले में संवेदनशील रहे संतोषी पारा कैंप एक में उल्टी दस्त से 12 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं डायरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग भिलाई निगम के स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौके पर तैनात कर दी गई है और प्रभावितों की जांच की जा रही है। वर्तमान में 8 लोगों का उपचार सुपेला सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। आपको बता दें, जिला स्वास्थ्य महकमे ने डेंगू, मलेरिया, डायरिया और पीलिया के मामले में संतोषी पारा कैंप 2 सबसे संवेदनशील क्षेत्रों के तौर पर घोषित कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम दवाइयों का वितरण कर रही है। मिलन चौक संतोषी पारा में जो अभी सर्वे किए हैं हमारे स्टाफ के लोग, ANM और मितानिन, तो 12 लोग प्रभावित हैं, जिसमें से 4 ठीक हो गए हैं, 4 सुपेला अस्पताल में हैं, संकरा हॉस्पिटल में हैं कुछ एक दो लोग, और एक आज सवेरे सेक्टर 9 हॉस्पिटल शिफ्ट किए हैं। तो उसी के जांच के हिसाब से आया था, तो बोर और जहाँ पे वॉल है वहाँ पे इन्फेक्शन पाया गया है। तो नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी भी आए हुए हैं और यहाँ के पार्षद भी आए, और अब प्रक्रिया साफ सफाई की प्रक्रिया चल रही है।